मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर आज कलवा मुंब्रा के विधायक जितेंद्र अवहट ने दौरा किया। ये दौरा मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर लगने वाले एक्सीलेटर और लिफ्ट लगाने का काम कितने तेजी से हो रहा है, विधायक जितेंद्र अवहट ने स्टेशन मास्टर के साथ इस काम का जायजा लिया। इस दौरान विधायक जितेंद्र अवहट के साथ में सैयद अली अशरफ भाई साहब, बबलू शेमना, इकबाल मुलानी, अन्य ऐसे एनसीपी के कार्यकर्ता मौजूद थे। जितेंद्र अवहट ने बताया कि नवंबर तक मुंब्रा वालों को एक्सेलेटर और लिफ्ट मिल जाएगा जिसे वो इस्तेमाल कर सकेंगे। पहले काम में रुकावट ज़रूर थी क्योंकि ये पूरा मामला कोर्ट में था और कोर्ट ने स्टे लगाया था, मगर अब स्टे हट गया है और एक्सीलेटर लिफ्ट का काम तेजी से किया जा रहा है, ऐसी जानकारी विधायक जितेंद्र अवहट ने दी है। और नवंबर में मुंब्रा वालों के इस्तेमाल के लिए एक्सीलेटर और लिफ्ट बनाकर मिल जाएगी। मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर दौरे के बाद विधायक जितेंद्र अवहट ने क्या कुछ बताया है आपको सुनाते हैं। और सर, आज आपने मुंब्रा रेलवे स्टेशन का दौरा किया है, जिस तरह से ट्रेनें कैंसिल हुई बताया जा रहा है, इस तरह से आपने आंदोलन का भी जिक्र किया है 2 अक्टूबर को, तो आज क्या उद्देश्य से आपने दौरा किया है? एस्केलेटर के बारे में थोड़ी सी मालूमात लेनी थी, क्या है क्या नहीं। पिछले कुछ दिनों में शायद मुंब्रा वासियों को पता नहीं है कि मुंब्रा के एक शख्स है, इन्होंने ये मेरी ज़मीन है करके कोर्ट में केस दाखिल किया था। कोर्ट ने उसको स्टे ऑर्डर दिया था, उसके वजह से काम रुक गया था। अब वो स्टे हट गया है, रेलवे ने अपना काम शुरू कर दिया है। और मैंने आज कॉन्ट्रैक्टर से बात की तो कॉन्ट्रैक्टर का बोलना है कि नवंबर तक हम इसको पूरा कर देंगे। परसों मेरी जब DRM से मीटिंग हुई तो DRM ने मुझको बोला था कि मैं तुरंत ही काम शुरू करवाता हूँ, उसको मद्देनज़र देखते हुए उसके बाद ये काम बहुत तेज़ी से शुरू होगा। कल आपका यहाँ मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर मीटिंग भी कुछ है रेलवे यात्रियों के साथ में। मेरा विरोध नहीं है एसी लोकल, पर पीक आवर्स में एसी लोकल चलाना, ये जो यात्री सुरक्षित यात्रा करने के लिए पैसे देते हैं रेलवे को, उनको मौत के कुएं में ढकेलने जैसा। परिवर्तन होना चाहिए लेकिन किसी के मौत के साथ। यहाँ लोग मर रहे हैं, ट्रेन में चढ़ने को नहीं मिल रहा है, नौकरियाँ जा रही है, और आप पीक आवर्स में एसी चलाओगे तो कौन सहन करेगा। एसी हमारे सामने जाती है पूरी खाली और इधर चढ़ने को जगह नहीं। पीक आवर्स में आप एसी मत चलाइए। और जो फास्ट ट्रेन, सेमी फास्ट ट्रेन आप जो मुंब्रा में रुका करती थी, लोगों का कहना है कि 21 ट्रेन कैंसिल हुई। 21 ट्रेन का मतलब क्या होता है? मैंने आज स्टेशन मास्टर से बात की तो उसका बोलना है कि कम से कम 1.5 लाख लोगों की यातायात है एक दिन में आना जाना, तो ये तो कम नहीं है ना। 1 लाख लोगों के जान से आप नहीं खेल सकते। आपका अगर ये जो मांग है अगर ये नहीं पूरा था 2 अक्टूबर को, मेरा फर्ज बनता है, देखो मेरा फर्ज बनता है लोगों की शिकायत के ऊपर अपना उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना, ये मेरा फ़र्ज है। मैं कोई पार्टी के लेवल पे ये नहीं कर रहा, ये आम गरीब आदमी की लड़ाई है, ये मेहनत करने वाले की लड़ाई है, जो यहाँ से क्रॉफर्ड मार्केट जाता है, छोटा मोटा धंधा करता है, उनकी लड़ाई, उनके लड़ाई के लिए हम जान लगाने को तैयार हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो बात हो ही नहीं सकती।